वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिजिक्स का सिलेबस लेकर। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है सिलेबस को समझना, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपने कितना कवर कर लिया है, आपका कितना बचा हुआ है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास ऑफिशियल सिलेबस हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस की। एनडीए की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। कोर्स का कोड यहाँ पे दिया हुआ है 322, ठीक है। और सिलेबस जो है वो क्लास 12 का ही सिलेबस है और कोई एक्स्ट्रा सिलेबस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं बोलूँ कि बुक्स कौन सी फॉलो करो तो वो एनसीईआरटी इन्होंने कहा है, लेकिन एनसीईआरटी अगर फिजिक्स में आप फॉलो करोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, क्योंकि फिजिक्स को समझने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। तो आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल हैं आप उसको पढ़िए। अगर नोट्स आपके पास नहीं है तो आप बुक फॉलो कर सकते हो, एचसी वर्मा की। काफी अच्छी और सिंपल बुक है और इसके क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो हमारा जो मतलब स्टडी मटेरियल है आप वो भी ले सकते हो। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप अभी, अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी एक भी बार नहीं पढ़ा है तो अब आप एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए नहीं पढ़ोगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए पढ़ोगे लेकिन फिजिक्स के लिए नहीं पढ़ोगे। अब बात करते हैं कि ये सिलेबस किस किस कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसा थंबनेल में मैंने सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर लिखा है, बट ऐसा नहीं है कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ही एप्लीकेबल है। ये आप सिंपल बीएससी करना चाहते हो उसके लिए भी है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो उसके लिए भी यही सिलेबस है। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास यही सिलेबस है। अगर आप बीटेक करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी यही सिलेबस है। तो ये इतने सारे कोर्सेज के लिए ये सिलेबस एप्लीकेबल है। ये मतलब इन सभी कोर्सेज के लिए ये सिलेबस आपको फॉलो करना है। तो फिजिक्स के इस सिलेबस को देखते हैं एक एक करके। आप जानते हो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 50 में 50 करने के चक्कर में मत पड़ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका और कोई फायदा नहीं होगा। तो 50 क्वेश्चन में सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करने हैं। देखो, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में बताती हूँ जो आपके बहुत काम की होती है। कई बार क्या होता है आप वीडियो अच्छे से नहीं देखते हो और उसके बाद लास्ट में आप फिर परेशान हो जाते हो कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया या ये बता दीजिए। तो सब कुछ टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं होता है ये हम आपको बता पाए, वो चीज आपको वीडियो के थ्रू ही देखनी पड़ती है। तो चलो देखते हैं। तो ये ध्यान रखोगे 40 क्वेश्चन करना है 50 में से। अब पहला जो चैप्टर है आपका यूनिट 1 वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देख रहे हो यहाँ पे इसके सारे पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 2022 का पेपर आपने देखा होगा जो मैंने सॉल्व करवाया है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टेट से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 6 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, मतलब ये बहुत मायने रखता है। तो कहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो देख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल या टॉर्क क्या है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के वीवीआई टॉपिक है। अगर इस मतलब इलेक्ट्रोस्टेट में अगर पूछो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जरूरी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कुछ सवाल रहते हैं, कंडक्टर्स से कुछ सवाल रहते हैं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत आप देख लोगे। और इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है आपका, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये ध्यान रखोगे। और यहाँ से मतलब कॉन्सेप्ट ही जनरली पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, फॉर्मूला पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछे गए हैं अभी तक। तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर तो ध्यान दोगे ही, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आप डेली रिवाइज करोगे। सब सुबह सबसे पहले उठ के आप एक काम करो कि इलेक्ट्रोस्टेट में जितने भी फॉर्मूलाज हैं सभी फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर 2022 का पेपर आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, रीसेंड कर दूंगी, ऑलरेडी सेंड किया हुआ है तो आप उसे देख सकते हो कि वो वहां पे क्या क्या क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट से पूछा गया है। तो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है। तो आपके पास अगर है अवेलेबल तो आप उसे देख लो, अदरवाइज आप कमेंट करना, मैं आपको उसके ऊपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करंट से भी 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो बहुत मतलब जरूरी चैप्टर आपके लिए हो जाता है। करंट में भी रेसिस्टेंस वाला जो पोर्शन है, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस,
या जो भी मतलब रेसिस्टेंस वाला पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। मतलब अभी तक का जो ट्रेंड है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इलेक्ट्रिक करंट के भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे गए हैं। देखो कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन है, तो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना होगा, फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देना होगा, और इसमें जितनी भी सीधी सारी चीजें हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा करंट और वोल्टेज और रेसिस्टेंस के बीच जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सभी आप ध्यान रखोगे। व्हीटस्टोन ब्रिज ऑलवेज सबका फेवरेट रहता है, तो उससे भी क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे अलग अलग मोड में दिया हुआ रहता है, तो आप उसको कैसे करोगे सॉल्व, ये आपको सॉल्व करके रखना है। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये तो है ही। ये चाहे आप किसी भी चीज का पेपर दो, चाहे आप IIT दो, नीट दो, कोई भी पेपर दो, अगर वहां पे सबसे ज्यादा सवाल किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं तो वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट करंट और मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब यहाँ पे आपको याद रखना है फोर्स कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब अभी तक इससे देखो 2-3 साल ही पेपर हुआ है CUET का, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे पोर्शन को कवर कर लिया उन्होंने। ऑब्वियसली 2-3 साल हुआ है तो किसी कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन ही होगा, तो ये नहीं कि वो सिर्फ पढ़ो आप, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाए, तो आपको सारा का सारा पढ़ना है। तो मैग्नेटिक फील्ड या बायोट सपोर्ट लॉ जो भी है उसको पढ़ना है अच्छे से, एम्पियर लॉ पढ़िएगा। इसके अलावा फोर्स के बारे में तो काफी अच्छे से, मतलब फोर्स जो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे जनरेट होता है, क्या सारी चीजें होती हैं इसके बारे में। करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपको ध्यान देना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे जनरेट होता है, क्या सारी चीजें होती हैं, डायपोल कैसे जनरेट होता है, मैग्नेटिक डायपोल के बारे में पढ़ना है, तो वो आपको यहाँ पे सारा दिया हुआ है। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल, क्या होता है टॉर्क, इसके ऊपर भी सवाल यहाँ पूछे गए हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। बार मैग्नेट क्या होता है, तो ये आप देख रहे हो सारा टॉपिक यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। परमानेंट मैग्नेट के बारे में, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं इन सब चीजों को, ये PDF भी आपको मिल जाएगी अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। अगर आपके पास इसके नोट्स हैं तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो आपके पास जो भी नोट्स बने हुए हैं, आप चाहे 12th में कहीं से भी पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, आप उसको रिविजन करना स्टार्ट कर दो। अगर आप नहीं, आपने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई की है, तो आपको जो भी स्टडी मटेरियल कहीं से भी मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरा ही स्टडी मटेरियल लो, ठीक है, कहीं से भी, जहां कहीं से आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसको लीजिए, पढ़िए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है कमेंट करके बताओ, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके मैं आऊंगी आपके लिए, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और एग्जाम क्लियर हो सके। मेन मोटिव हमारा होता है एग्जाम क्लियर हो बच्चों का। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इससे भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। देखो फिजिक्स में अगर देखोगे ना टोटल तो 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स। वैसे अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा 6-7 चैप्टर आपने पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं, बट यहाँ पे डिलीट नहीं किए गए हैं, तो ये आप ध्यान रखोगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन 2-3 रहेंगे, वहां से आपको ये पढ़ना है। तो कॉन्सेप्चुअल देखो, यहाँ भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। EM वेव से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी थोड़े बहुत 1 से 2 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसको भी पढ़ना है। कॉन्सेप्ट इसके सारे पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स में भी सारे कॉन्सेप्ट ही पूछे गए, सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल हैं, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो आप इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, कैसे डिफ्लेक्शन होगा, क्या सारी चीजें होंगी, रिफ्रैक्शन कैसे होगा, सब्सटेंस किधर मूव करेगा, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, तो क्या सारी चीजें होंगी। इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा सा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में जो फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये मतलब डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सभी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, ताकि मतलब आप एक बार अगर इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लोगे ना तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे अगर आप
ऑप्टिक्स को इग्नोर करके भी चलोगे, मतलब मान लो ऑप्टिक्स आपने नहीं पढ़ा क्योंकि एक से दो ही क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हो क्योंकि एक लंबा पोर्शन है ऑप्टिक्स, छोटा चैप्टर नहीं है। कोई छोटा चैप्टर हो उससे एक दो सवाल पूछे तो आप उसे पढ़ के कर लोगे, लेकिन बड़ा चैप्टर से एक दो सवाल पूछ रहा है मतलब आप उसे निग्लेक्ट करके चल सकते हो। तो ऑप्टिक्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं जानते हो, तो आप इसे छोड़ सकते हो, ये एक ऐसा चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है यहाँ से मॉडर्न स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है, मॉडर्न जिसे आप कहते हो, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वीवीआई चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से काफी सारे सवाल होते हैं, मतलब मॉडर्न से अगर देखो तो 10 सवाल पूछे गए हैं 2022 में। तो मॉडर्न एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, मॉडर्न में अगर देखो तो तीन चार चैप्टर हैं आपके, चार चैप्टर हैं टोटल, ठीक है, और इन चार चैप्टर में से 10 सवाल रहते हैं टोटल, तो काफी एक बड़ा पोर्शन है मॉडर्न का। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यहाँ पे आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको रखना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ, रेडिएशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, तो इस तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई से आपका जनरली जो सीरीज है, बोर मॉडल है, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि आपका जो सीरीज है, टोटल चार पांच सीरीज आपने पढ़ा है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन, पीफर्न, तो ये ब्रैकेट, तो इन सब सीरीज से कौन कहाँ से क्या आ रहा है, इसमें वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए या इसका फॉर्मूला या ये कौन सा रेडिएशन है, इस तरह का, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ से सवाल पूछे गए। अगर दो तीन साल का सवाल पेपर देखोगे तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए हो। और रेडियो एक्टिविटी से थोड़े बहुत सवाल रहते हैं, इसमें भी मास एनर्जी रिलेशनशिप से सवाल रहेगा, रेडियो एक्टिव डीके जो हाफ लाइफ है उस हाफ लाइफ के ऊपर सवाल रहते हैं, तो ये आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज्यादा मैं थोड़ी सी साइड हो जाती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहाँ पे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स या सेमीकंडक्टर्स के बारे में, एक्चुअली लॉजिक गेट से सवाल रहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, और कुछ भी अगर आपने नहीं पढ़ा है सिंपल लॉजिक गेट्स पढ़ लो, तो लॉजिक गेट्स से यहाँ से सवाल पूछे गए हैं अभी तक, और आगे भी इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो आपको ये लॉजिक गेट्स अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें हाफ लाइफ वगैरह आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे, इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से पढ़ लोगे, वेवलेंथ कैलकुलेट करना अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम से बहुत कम सवाल रहे हैं, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इससे सवाल नहीं पूछे गए हैं अभी तक, लेकिन हो सकता है आगे पूछे जाएं, तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप पढ़ो, अदरवाइज इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इन तीनों चैप्टर, मतलब मॉडर्न का इन तीनों चैप्टर से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट मींस इट्स अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है, और यहाँ से काफी सारे सवाल आ रहे हैं। तो ये है टोटल ओवरऑल आपका फिजिक्स का सिलेबस, देख रहे हो आप, टोटल 10 यूनिट्स है यानी कि 10 चैप्टर्स हैं, और इन 10 चैप्टर्स से आपके टोटल कितने 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। इसमें मैंने आपको केमिस्ट्री के सिलेबस में बताया था कि इस 40 में से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो पैसेज बेस्ड होंगे, पैसेज के ऊपर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब 10 पैसेज हो गए यानी कि 30 क्वेश्चन की ही आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि पैसेज में ऑलरेडी दिया रहेगा, वहां से आपको देख के क्वेश्चन करना है। 10 क्वेश्चन पैसेज के हो गए तो ये आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आपके आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, 10 क्वेश्चन के लिए वो पैसेज दे दे रहे हैं, वहां से देख के आप क्वेश्चन कर लोगे, और पैसेज यकीन मानो काफी स्कोरिंग होता है, काफी बच्चों का वो स्कोर अच्छा कर देता है। निगेटिव मत करना, क्योंकि एक निगेटिव करोगे एक मार्क्स आपका चला जाएगा। तो ये है ओवरऑल फिजिक्स का सिलेबस। अगर इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो काइंडली मुझे बताएं, अगर समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, तैयारी करो। अगर तैयारी करने में आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हमारे पास आपके लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, BSc AG, नर्सिंग, B Pharma या आप BTech, किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे पास ये कोर्स अवेलेबल है। आपके पास अभी एक कूपन भी है अगर आप अभी करते हो तो, ठीक है, कूपन कोड डालिए यहाँ पे, और कूपन कोड डालोगे तो आई थिंक ये 1900 के आसपास पड़ेगा, तो अभी आपके पास
अपॉर्चुनिटी है कि 2000 से कम में, 2000 से कम के फी में आप पूरी तैयारी कर पाओगे। अभी आपके पास टाइम है, ज्वाइन कर लो। और अभी ऑफर चल रहा है, ये ऑफर खत्म हो जाएगा मार्च के बाद, तो मार्च तक आपके पास टाइम है कोर्स ज्वाइन करने का। यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलेंगी, काफी सारी स्टडी मटेरियल्स हैं, ठीक है? ये देख रहे हो आप, बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स हैं। ये सारी स्टडी मटेरियल्स, लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, तो बहुत कुछ है यहाँ पे आपके लिए, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो भी बताइएगा। डेली शाम में 5 बजे YouTube पे क्लासेस आती है, तो आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो क्लासेस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी और बहुत अच्छे साबित होंगे। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में।